हाँ तो आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट वेवो एसएमपी के नए वीडियो में। हाँ तो आज हम शॉप बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग बेचेंगे ओवरवर्ल्ड के माइन का सारा सामान जो भी मिलता है, जो भी सब बेचेंगे। और मैं मतलब शॉप को ऐसा डिज़ाइन कर बनाने वाला हूँ जैसे एक केव हो पूरी और उसमें माइन, ओपन माइन। और अभी हम लोग पीछे मेरे वो है वेवो विलेज यहाँ पे, तो उसके मैं ऑपोजिट साइड जा रहा हूँ। आई थिंक सो इधर वॉर्म मोशन होना चाहिए। अगर नहीं मिला, अगर मेरा बेस आया तो वॉर्म मोशन पीछे है, मतलब ऑपोजिट साइड है, और अगर वॉर्म मोशन आ गया तो मेरा बेस मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में। देखते हैं क्या मिलता है इस बार, आगे जाते हैं फटाफट। और मेरा बेस आ गया, एक्चुअली रॉकेट भी ख़त्म हो रहा है, मैं ले लेते हूँ। मेरे चंक लोडिंग कितने फास्ट है, मैं अंदर पहुंच जाऊंगा पर मेरे चंक लोड ही नहीं होगी, इतने फास्ट है। ये हो गए, कभी कभार नहीं होते ना इसलिए। तो रॉकेट तो मैंने ले लिए और चलते। मिल गया वो मोशन। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, देखो पहले कोई आ चुका है यहाँ पर, देखो हंट किया गया। सी पिकल्स एक भी नहीं दिख रहा है, मेरे को ज़्यादा घूमना पड़ेगा सी पिकल्स के लिए। बाकी बाकी सारे टाइप के कोरल तो हो गई, और कुछ तो मिसिंग नहीं दिख रहा। सी पिकल के लिए कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा दूर जाते ही मेरे को सी पिकल्स तो मिल गए थे और मैं उड़ के आ गया वो विलेज में। अब काफ़ी सारी शॉप बन रही है, अब मेरी शॉप नहीं है। और देखो इतने फास्ट लंग लोड रहे हैं, दिख ही नहीं रहे मेरे को चंकी। देखो नीचे का केव दिख रही है जो मैंने अभी ढकी थी। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम किया, लोड हो जा भाई चंक लोडिंग ऐसे कैसे काम। हाँ हो गया, तो मैंने ऑलरेडी कुछ काम कर रखा है, दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, थोड़ी बहुत किया है। और ये छोटा सा ले गए, ये कोरल बोन मिल करने से मिल गए थे, और कुछ तो मैंने कोरल ब्लॉक वो मोशन जाना अच्छा रहा। तो हम यहाँ पे रेंडमली थोड़ी जगह कोरल ब्लॉक लगाए, येलो पिंक, कितने सारे 5 टाइप के अलग अलग होते हैं, सारे इन्वेंट्री में निकाल लेते हैं। ये भी देखा हम कोरल ब्लॉक तो लगा लिए, वे कोरल फंस और सब लगा, थोड़ा बहुत लगाया, ज़्यादा नहीं लगाने के बाद में स्पैमिंग लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब सी पिकल्स लगाते हैं। मेरे को ये टॉर्चेस सारे निकालनी है, क्योंकि टॉर्चेस की जगह मैं सोच रहा हूँ हिडन टॉर्चेस रखूँ, और मेनली लाइटनिंग सी पिकल्स की वजह से दिखनी चाहिए तो अच्छी लगेगी। ये भी एक टॉर्चेस निकल दो, कितना डार्क हो गया। वो सी पिकल्स लगाते हैं, सीपिकल्स में थोड़ा बग है, मतलब प्लेस नहीं होती सीधे। देखो मैंने अभी 3 प्लेस की और 2 हो गई अपने आप। माइनक्राफ्ट है, रिपीटर के साथ भी मेरे साथ ही हो रहा था। मैं देखो अभी भी 3 हुई, 2 हुई, वापस 3 हो गई। माइनक्राफ्ट बेडरॉक, ये एक टॉर्च भी निकालो। मेरे को स्लैब्स के नीचे टॉर्च छुपानी पड़ेगी। और ये वीच का आवाज़ कब से कर रहा है पैरोट, सोच अभी भी आवाज़ आ रहा है। मेरे को लगता है एक और है बार, पर पैरोट मेरे को ज़रा पसंद नहीं है।
कहाँ गया वो रहा। ओए ओए कहाँ जा रहा है वो? बाय बाय। नहीं सब तो कोई नहीं, बीच है तो खरी, बीच का आवाज निकाल रहे लो, पर पता ही नहीं कहाँ पे। थोड़ा बहुत एक्सपांड करना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। टोटल 20 आइटम्स है जो हम लोग सेल करने वाले हैं, तो उसके लिए इतना सा चेस्ट की जगह चाहिए। किस हिसाब से सेट करना पड़ेगा? थोड़े हम लोग को ड्राइड कोरल ब्लॉक भी लगाएंगे जो कबर स्टोन के टेक्सचर के साथ मिक्स होगा। तो दूसरे भी निकाल लेते हैं, क्रिम्सन वुड ये सी ब्लू वाला भी ले लेते हैं, और यहाँ पे रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भाई दो दो बाल रखे, ये निकालो, ड्राई हो गए। तो ये कबर स्टोन के टेक्सचर के साथ मस्त मिक्स हो रहा है। इसको सही से मैं प्लेस करता हूँ। एक्चुअली अभी मैं स्प्रूस वुड लेने आया हूँ, मतलब थोड़ी बहुत वुड की कमी हो रखी थी, तो मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। ज़्यादा नहीं चाहिए, बस वो क्या बोलते हैं, थोड़ी डिटेलिंग के लिए चाहिए। हाँ तो यहाँ पे जब मैंने ये स्प्रूस, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई आ गया था अभी, तो यहाँ पे हम लोग ट्रैप डोर लगा देते हैं, जिससे मतलब कुल मतलब एकदम नॉर्मल सा ना लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं, पैरोट वापस आ गया, इसने आवाज़ निकाला ना मार दूंगा। यहाँ पे कोई तो ऑनलाइन है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ सही से, माइनो लग रहा है मेरे को। बीबा है, बीबा लगता है एफ के, जाके स्क्रीनशॉट लेते। और यहाँ पे भी देखो माइनो की आर्मर स्टैंड के बाजू में बीबा है, जब नई स्किन लगता है बीबा ने बनाई है। वर्ड्स कीबोर्ड पे स्विच करते हैं, और यहाँ से F5, और एक बार और ये एफ के पे स्क्रीनशॉट लेने का। तो मैं लास्ट टूर दे देता हूँ कैसा बना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ तो देखो यहाँ से मैं ये शेल्कर बॉक्स और स्टोन कटर निकाल लूँगा बाद में। यहाँ पे ये बैरल से ये TNT विद माइन कार्ड, ये थोड़ा, और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे, और यहाँ पे सारे बैरल्स लगे और बीच में वुड बटन से मैंने थोड़ा बहुत अच्छा दिखाना। और यहाँ पे क्या क्या है देख के ही पता चल रहा है, आयरन, गोल्ड, लैपिस, रेड स्टोन, ऑब्सीडियन, ग्रेवल, एंडेसाइट, टायराइड, ग्रेनाइट, कबल स्टोन, स्टोन, एमरल्ड, डर्ट, ग्रास ब्लॉक। अभी फ्लिंट की मेरे को एक जगह, एक बैरल की और जगह ढूंढनी पड़ेगी कहीं पे, तो रखने के लिए फ्लिंट के लिए नहीं मिल रही जगह। सोच रहा हूँ एक बीच में लगा लूँ बैरल, और मेरे पास अभी लिली पैड नहीं, तो वाटर के ऊपर बहुत मस्त दिखता। बाकी कुछ तो इतना डिटेलिंग का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कौन सी भीख मांगते हैं यूट्यूबर वो भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।